पति हो तो ऐसा 9 महीने हो गए रोज आता है, हाथ पकड़ के बैठता है और उसके होश में आने का इंतजार करता है। दुनिया में इकलौता होगा, अब तो भगवान ने भी ऐसे मॉडल बनाने बंद कर दिए हैं। कुछ फर्क है कोई साइन कोमा से बाहर आने का? नो सर। सुनिए, हमें काव्या बंसल से मिलना है। अभी तो काव्या जी के पति साथ में हैं, आप प्लीज वेट कीजिए। सुनिए, वो मम्मी यार आपके खाने के चक्कर में लेट हो गए ना, वो खाती तो कुछ नहीं है फिर भी रोज 9 महीने से बना बना के ले आते हो। चुप कर जा। मैंग भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पधारे। मैं आप सब लोगों को दिल से बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आज से ठीक 9 महीने पहले हमने अपने बड़े बेटे ओमराज प्रधान को खो दिया था। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, पुराने से पुराने जख्म को वो धीरे धीरे भर देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मानना है कि समय से बड़ा इंसान होता है, क्योंकि अपने दिल के घावों को अपने दिल में समेटे हुए वो समय को बदल देता है। तो महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का दिवस कहा जाता है, इसलिए आज हम अपने उत्तराधिकारी का नाम आपके समक्ष लाना चाहते हैं और जन पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष का नाम भी आपके समक्ष हम लाना चाहते हैं। और हां, एक बात और है कि आने वाले चुनावों में ये युवा जो अध्यक्ष का नाम मनोनीत होगा, हमारी पार्टी की ओर से एमएलए का भी उम्मीदवार होगा। मिलने का समय भी खत्म हो ही जा रहा है, ये आधी आ क्यों नहीं रहा है? आज लगता है हम फिर से काव्या से नहीं मिल पाएंगे। उसे उसे कहानी सुनानी है, उसके चेहरे पर खुशी लानी है, लगता है हम कहानी भी नहीं सुना पाएंगे। ये आ क्यों नहीं रहा है? आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे काव्या। सॉरी, सारे विजिटिंग आज हमने ले लिए। हम भी मिल लेते थोड़ी देर, अंजलि कहानी भी सुनाना चाहती थी। तो कहानी कल सुना दीजिएगा, आज के दिन हमने बहुत अच्छी कहानी रिकॉर्ड करके काव्या के हेडफोन पर लगा दी है। चलते हैं।
अब वो समय आ गया है कि हम उस नए नाम की घोषणा करें जिसकी काबिलियत और नियत पर हमें जरा भी शक नहीं। आज हम उसका अभिषेक करने जा रहे हैं और इस तिलक के साथ साथ हमारा उत्तराधिकारी भी घोषित हो जाएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप उस युवा को अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम आंखें खोलोगी, कब हमारा चेहरा दिखोगी, कब हमारी आवाज सुन पाओगी। काव्या, हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही कि नहीं, पर आज हम वो कह के रहेंगे जिसे कहने के लिए हम 9 महीने से तड़प रहे हैं। आई हेट यू काव्या पंसल। से रोज आकर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम आंखें खोलोगी और हम तुम्हारे मुंह पे ये बात कह सके कि हम तुमसे नफरत करते हैं काव्या। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.